एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस ई पाठशाला में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज WWW? WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, संसार में विस्तृत स्तर पर फैला हुआ एक जाल। द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड बाई टिम वर्नरली इन 1989। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी टिम वर्नर ली ने 1999 को। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है, चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोटोकॉल्स। वर्ल्ड वाइड वेब एक सेट है प्रोग्राम्स का और प्रोटोकॉल्स का। प्रोटोकॉल्स कोई पुर्जा नहीं होता है, कोई हार्डवेयर नहीं होता है, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है ये। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोटोकॉल्स वेयर ऑल वेब रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड बाई ए URL। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो एक कलेक्शन होती है प्रोग्राम्स की और प्रोटोकॉल्स की, जहां पे जितने भी वेब रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जितनी भी वेबसाइट्स बनी होती है या सर्वर्स होते हैं, कुछ भी है, वो सारे के सारे आइडेंटिफाई होते हैं बाय URL, एक URL के जरिए। अब URL की भी फुल फॉर्म है, वो भी आपने लिख लेनी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो होता कैसा है देखने में, ये भी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आर इंटरलिंक्ड बाय हाइपरलिंक्स, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे लिंक्ड होते हैं किसी न किसी हाइपरलिंक के जरिए। ठीक है, एंड एक्सेस्ड बाय द इंटरनेट, और एक्सेस होते हैं बाय द इंटरनेट, और इंटरनेट के जरिए वो सारे के सारे एक्सेस होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है, हमें जब हम वेब ब्राउजर ओपन करते हैं और वहां पे एड्रेस डालते हैं ना http://, और यहाँ पे www.google.com लिखते हैं ना, तो वर्ल्ड वाइड वेब, अब यहाँ पे गूगल को आइडेंटिफाई, यानी कि एक तरह का वो क्या है, वेब रिसोर्स है, उसको आइडेंटिफाई कैसे कर रहा है ये, बाय द URL। इसको URL बोलते हैं, यहाँ पे जो भी एड्रेस टाइप करते हैं ना इसको बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे हम जो कुछ भी लिखते हैं वो सारा का सारा हमें कैसे दिखाई देता है, फिर एक वेब पेज के जरिए, जहाँ पे ब्लू कलर के टेक्स्ट आते हैं, है ना, आते हैं ना, जैसे हम वेब ब्राउजर के अंदर कोई भी चीज सर्च करें तो वो चीजें हमें हाइपर लिंक्स के रूप में नजर आती हैं, ब्लू कलर के लिंक्स के रूप में नजर आती हैं। ठीक है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आर इंटरलिंक्ड बाई हाइपर लिंक्स, जहाँ पे डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं, लिंक्ड होते हैं हाइपर लिंक के जरिए। चलो आपको हाइपर लिंक भी दिखा देता हूँ कैसे होते हैं ये देखने में ना। तो उसके लिए जैसे हम यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर रहे हैं, अपने इंटरनेट को कनेक्ट कर लेते हैं लैपटॉप में और फोन में, हम करते हैं ना ऐसे कनेक्ट, वाईफाई हॉटस्पॉट से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इंटरनेट को, क्योंकि एक्सेस कैसे होंगे, बाय द इंटरनेट। तो इंटरनेट को मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। अब देखो ये है वो URL। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं एड्रेस, हमारा एड्रेस हम तो डायरेक्ट ही लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो चीजें इस तरह से होती हैं, देखो लिखी हुई www.google.com, एंटर। अब यहाँ पे हम कोई भी चीज ढूंढते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे गाने ही देखने हो या गाने ही डाउनलोड करने हो, डाउनलोड म्यूजिक, जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ना ये ब्लू कलर में लिखे हुए हैं, ये क्या है, हाइपरलिंक बोलते हैं इनको, ये होते हैं हाइपरलिंक, इनके ऊपर क्लिक करते ही ये एक्टिवेट हो जाते हैं
और हमारा पेज जो है वो चेंज हो जाता है। ये देखो चेंज हो गया हमारा पेज, ठीक है। इनको हम डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, वेब पेज भी बोलते हैं, ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये HTML लैंग्वेज से बनते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? अब वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द इंटरनल वर्किंग ऑफ इंटरनेट। तो वेब ब्राउजर क्या है? अब वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है विच प्रोवाइड एन इंटरफेस, जो हमें इंटरफेस होता है एक बिंदु पे मिलाना, ठीक है। विच प्रोवाइड एन इंटरफेस, जो एक बिंदु पे हमें मिलाता है किसे? बिटवीन द यूजर एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ द इंटरनेट, जो हमें एक बिंदु पे मिलाता है यूजर और इंटरनेट की इंटरनल वर्किंग को, ठीक है। तो वेब ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, हमको मिलाता है, यानी कि हम कौन है? यूजर। इसके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है वो यूजर और इंटरनेट की जो भी बीच की जो वर्किंग होती है उसके बीच में। अब वेब ब्राउजर प्रोवाइड द फैसिलिटी, अब वेब ब्राउजर हमें क्या सुविधा देता है? अब वेब ब्राउजर प्रोवाइड द फैसिलिटी टू टाइप वेबसाइट एड्रेस इनसाइड द यूआरएल। अब वेब ब्राउजर हमें क्या सुविधा दे रहा है कि हम वेबसाइट के एड्रेस को कहाँ पे लिखेंगे? यूआरएल के अंदर। यूआरएल के अंदर ही लिख रहे थे ना हम, है ना, जहाँ पे अभी लिखा था ना डाउनलोड म्यूजिक, तो यूआरएल के अंदर ही लिखा था। एंड गेट द इंफॉर्मेशन इन टू वेब पेजेस। अब जो इंफॉर्मेशन हमें हाइपर लिंक के रूप में नजर आ रही थी, जिस पेज के ऊपर वो नजर आ रही थी, वो क्या था? हमारा वेब पेज, उसको बोलते हैं वेब पेज, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेब ब्राउजर, अब कुछ एक एग्जाम्पल दिए हैं वेब ब्राउजर के, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, ठीक है। तो ये सारे के हैं हमारे वेब ब्राउजर है, आपने देखे भी होंगे ये सारे के सारे वेब ब्राउजर, देखने में किस तरह के नजर आते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप्स ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन इज ए स्पेशल प्रोग्राम दैट हेल्प टू सर्च इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एंटर्ड वर्ड्स ऑन द इंटरनेट। अब सर्च इंजन क्या है? एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, एक खास प्रोग्राम होता है दैट हेल्प टू सर्च इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को ढूंढने में मदद करता है रिलेटेड टू एंटर्ड वर्ड्स ऑन द इंटरनेट, जो भी वर्ड्स हम इंटर करते हैं उनसे रिलेटेड, उनसे जुड़ी हुई ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो सर्च इंजन क्या है? एक स्पेशल प्रोग्राम है जो ढूंढने में मदद करता है इंफॉर्मेशन को, जो किससे रिलेटेड होती है, जो भी हम शब्द वहां पे इंटर करते हैं इंटरनेट के ऊपर उनसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, टूडे काउंटलेस वेबसाइट्स आर रनिंग ओवर द इंटरनेट। If a user have no idea about particular website, then he can type keyword inside the search engine and can get full information about the website. ठीक है? अब देखो, today countless website, countless होता है अनगिनत, ठीक है? आज अनगिनत वेबसाइट जो है वो रनिंग ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर चल रही है, रन हो रही है, दौड़ रही है। If a user have no idea, अगर किसी यूजर को कोई आइडिया नहीं है अबाउट द पर्टिकुलर वेबसाइट, किसी खास वेबसाइट के बारे में, देन तो वो क्या कर सकता है? ही कैन टाइप की वर्ड इन साइड द सर्च इंजन, तो वो शब्द को जो भी वो ढूंढना चाह रहा है चीज को, उसको वो टाइप कर सकता है सर्च इंजन के अंदर एंड कैन गेट फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट, और वेबसाइट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो है उसको सर्च इंजन के अंदर मिल जाएगी। कुल मिला के सर्च इंजन जो है हमारा चीजों को ढूंढने के काम आता है, ठीक है। कुछ भी ढूंढने हो, गाने ढूंढने हो, गेम्स ढूंढनी हो, वीडियो ऑडियो फाइल्स,
कुछ भी मूवीज ढूंढनी हो या अपने वेदर से रिलेटेड कोई चीज़ ढूंढनी हो, अपने बुक से रिलेटेड कोई चीज़ ढूंढनी हो, अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ें ढूंढनी हो, अपने सब्जेक्ट हो गए तुम्हारे जैसे साइंस, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इनसे रिलेटेड भी कुछ भी ढूंढना हो तो आप कहाँ पे ढूंढोगे? सर्च इंजन के अंदर जाके। ये चीज़ों को ढूंढने के काम आता है ये प्रोग्राम, ठीक है। अब ये एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं। एक देखो गूगल है जिसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, याहू है, अल्टाविस्टा है, बिंग है, वेब क्रॉलर है, हॉट्स बोट है, लाइकोस है, एक्साइट है, गुरुजी है, खोज है, इन सारे के सारे सर्च इंजन हैं। ये देखो कुछ एक के एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे गूगल है, याहू है, यनडेक्स भी है, एओएल भी है, ask.com भी है, वाइडू भी है, बिंग है, खोज है, गुरुजी भी है, ये सारे के सारे क्या है? सर्च इंजन। तो आज के लिए इतने ही टॉपिक्स काफ़ी थे, इनको ठीक ढंग से आपने तैयार कर लेना है, कॉपी पे नोट कर लेना है और इनको साथ साथ में याद भी करते चलना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, कल फिर हम नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।